हेलो एंड वेलकम टू इलियाना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी ई पंजाब स्कूल वेब पोर्टल पर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने NMMS की जो रजिस्ट्रेशन करनी है और जो PSTSE पंजाब स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन इसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो आप कैसे कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एक आपको 8th क्लास और 10th क्लास के लिए है, तो जो अपर प्राइमरी स्कूल है वही इसमें लॉगिन करेंगे। तो जितने भी अपर प्राइमरी स्कूल है वो अपने स्कूल अकाउंट में लॉगिन करेंगे जो ई पंजाब में आपको मिला हुआ है। तो यहाँ पर आपको आपका आईडी पासवर्ड मिला हुआ है, वहाँ से आप क्या करोगे, इसमें लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट मॉड्यूल है। स्टूडेंट मॉड्यूल में हमारे पास दो लिंक अवेलेबल है, एक है आपका NMMS और एक है आपका PSTSE। तो NMMS रजिस्ट्रेशन अगर आपने करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर जो 8th क्लास की दोनों रजिस्ट्रेशन NMMS और PSTSE की रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगी। यहाँ पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो इस तरफ आपको मिलेगा आपकी क्लास, कौन सी क्लास आपकी 8th क्लास, सेक्शन आप सिलेक्ट करोगे, शो करोगे, तो यहाँ पर वो बच्चों की डिटेल आ जाएगी जो आपके 8th क्लास में स्टडी कर रहे हैं। तो जिस बच्चे की आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने करवाई हुई है, वो ग्रीन कलर में टिक हो जाएंगे, जिनकी नहीं हुई है वो आपके वाइट कलर में रहेंगे। तो जिस बच्चे की आप करवाना चाहते हो वहाँ पर आप क्लिक करोगे और उसकी जो डिटेल होगी वो आपके सामने क्या करवा देगा, डिस्प्ले करवा देगा। यहाँ ऊपर आपने उस बच्चे का जो बैंक अकाउंट है वो डिटेल आप यहाँ पर फिल करोगे। यहाँ पर ये डिटेल ऑलरेडी फिल्ड है, ये वाली डिटेल जो स्टूडेंट आईडी है, बैंक डिटेल है, वो आप फिल करोगे। उसके बाद उसके 7th क्लास में कितने मार्क्स थे आउट ऑफ, वो आप फिल करोगे, एंड देन उसका मोबाइल नंबर, एंड देन लास्ट में क्या कर दोगे, उसको अपडेट कर दोगे। ये डाटा आपका अपडेट हो जाएगा। लाइकवाइज वैसे ही आपने स्टूडेंट मॉड्यूल में जाकर PSTSE की जो रजिस्ट्रेशन है वो आपने करनी है, वो भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे। देखिए इस तरफ जो आप रजिस्टर कर चुके हो बच्चे उनकी डिटेल आएगी, इस तरफ वो होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। तो मैं यहाँ पर 10th क्लास पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो 10th क्लास आप सिलेक्ट करोगे एंड देन यहाँ पर शो करोगे, तो इस तरफ बच्चों की डिटेल आ जाएगी जो ग्रीन कलर में है उनकी आपने रजिस्ट्रेशन कर दी हुई है, जो आपके व्हाइट कलर में उनकी आप कर सकते हो अभी, उसके ऊपर क्लिक करोगे और फॉर्म ओपन होगा, डिटेल फिल करोगे, अपडेट करोगे, तो आपका रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने कुछ नोट्स दिए हुए हैं कि क्या क्या आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर जो भी इसकी गाइडलाइंस हैं वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो लेटर हुई है, लेटर में भी आपको सारी की सारी गाइडलाइंस उन्होंने बताई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने जो NMMS और जो आपकी जो है PSTSE की रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।